लाल सिंह चड्डे पे आ जाते हैं, ठीक है, लाल सिंह चड्डा क्या बात करना चाहिए हाँ। बताओ ये पहली देखो भाई लोग ऐसे नो डिसरिस्पेक्ट, हम क्या मजाक के मूड में, तो अभी मजाक वही वाली फ्लो चल रही है अभी, ठीक है पहले क्लियर कर दें वरना फिर भाई लाल सिंह चड्डा से पता चला फॉरेस्ट गम के फैंस अपने से नाराज हो गए। अरे यार क्या बोलूं अभी मैं, अभी क्या है देखो मैं बता पिक्चर में था लाल सिंह चड्डा अच्छी होने वाली मेरे को फील हो रही है। हाँ मूवी चल जाएगी भाई, वो एरिक रॉथ का स्क्रीन प्ले है, ठीक है अडॉप्ट किया है बस, इसका कॉपी कर रहे हैं वो, अच्छी बननी चाहिए वो, ठीक है ना। नहीं वो अच्छी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक्चुअली क्या है, देखो राजकुमार हिरानी की मूवी है शायद, नहीं 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 नहीं, 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 नहीं। जिसने सीक्रेट सुपरस्टार बनाई थी वो डायरेक्टर है। अच्छा 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 ओके समझ गया मैं। अभी देखो क्या होता है कि एक फॉरेस्ट गम तुमने देखी है तो उसमें एक बहुत इमोशनल वाला एलिमेंट है ना, लेकिन उसका इमोशनल एलिमेंट ना आपको रुलाएगा नहीं, आप उसके साथ अगर बैठे हो ना तो आप इमोशंस फील करते हो, और बहुत वो मूवी ऐसी है जिसको देखने के बाद ना आप कई हफ्तों तक सोचते हो उसके बारे में, और फिर उसके बाद आपको मन करता है मैं फिर देखूं। मैं ऑलमोस्ट ऐसे रोने तक आ गया था इधर तक, ठीक है कुछ मोमेंट नहीं, उसके कुछ सीन्स बहुत इमोशनल है, बहुत बहुत। वो उसका जो लास्ट में जब बच्चे को ड्रॉप करने आता है ना बस स्टॉप वाला, भाई वो सीन तो बहुत, चलो अभी जिन्होंने नहीं देखा इसलिए स्पॉइलर नहीं देगा मैं सीन्स डिस्कस करने के लिए, बट वही मतलब लोग जो भी आमिर खान को बोल रहे हैं कि वो धूम 3 हो गया, पीके हो गया, और उससे पहले और कौन सी मूवी थी यार 3 इडियट्स हो गया, 3 डेड सिक के परफॉर्मेंस से भी कंपेयर कर रहे हैं। अरे मैं बता एक अभी बात देखा हूं, बहुत रेव चल रहा है जैसे कि सब बॉलीवुड को बता फेल होते हुए देखना चाहते हैं। अबे मतलब ये सुनो किसका ट्रेलर आया था, लाल सिंह चड्ढा का था या इसका ही था ब्रह्मास्त्र का था, ठीक है हाँ शायद लाल सिंह चड्ढा का था, वो ट्रेंड हो रहा है ठीक है, और उसके नीचे बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड हो रहा है ट्विटर पे, तो हर दूसरे दिन देखोगे तो बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड, अरे हर दूसरे दिन हो गया मतलब बहुत हो गया क्लीशे हो गया बार बार यूज कर करके, मतलब मेरे को लगता है जो चीज अच्छी है उसको अप्रिशिएट करो, जो चीज नहीं है उसको बोलो, अभी कोई हर मूवी हीरोपंती 2 जैसी थोड़ी होती है, लेकिन बॉलीवुड हीरोपंती बुरी है तो मारो गाने यार उसकी क्या दिक्कत।